डीएमटी एवं जिला दिव्यांग बंधुओं की बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई, जिसमें डीएम ने निर्देश दिए हैं कि दिव्यांग जनों के यूनिक आईडी कार्ड बनाए जाने में और गति लाई जाए और जनपद के सभी दिव्यांगों का यूनिक आईडी कार्ड बनाकर दिया जाए। उन्होंने चारगावा में चल रहे डीडीआरसी केंद्र को सीतापुर आई हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला उद्योग केंद्र एवं ग्राम उद्योग विभाग के लाभार्थियों के चयन हेतु 3% दिव्यांग जनों के आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू कराने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने दिव्यांग जनों को व्यवसाय के लिए ब्लॉक स्तर पर लोन मेला लगाने का भी निर्देश दिया है और साथ ही सीआरसी मुद्रा लोन एवं विकलांगों के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस दौरान जिलाधिकारी ने दिव्यांग जनों को ब्रेल किट देकर लाभान्वित किया। बैठक में सीएमओ श्रीकांत तिवारी, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी मीनू सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह, जिला सेवा योजन अधिकारी अरविंद यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व दिव्यांग जन मौजूद रहे। किस श्रेणी का दिव्यांग जन है, संख्या क्या? ये तो अगर सर्वे हो तो हमें उसकी एक्यूरेसी पता चलेगी कि कितनी है। आपके मॉडल के हिसाब से आपका कितने है? हाँ, यही है, ये ग्राम जनती है। वास्तव में वैसी होता नहीं है, किसी कोई बैंक ऋण लेना चाहते हैं कोई दिव्यांग लोग और वो व्यवसाय करना चाहते हैं और वो कोई संपत्ति का गारंटी देते हैं, अर्थात कि किराएदारी का संपत्ति मालिक का कोई गारंटी देते हैं तो उनको वो लोन दें। देखिए मुद्रा लोन व्यवसाय लोनिंग मिली, हमने ये पाया कि व्यवसायिक लोनिंग सिर्फ हम इन मीटिंगों में या कागजों में अखबारों में देख लेते हैं, लेकिन वास्तव में लेकर कोई व्यवसाय किया नहीं। चाहने के बाद भी अगर उद्यमी कोई विकलांग उद्यमी है तो वो नहीं उद्यम कर सकते हैं, क्योंकि बैंक के जो जटिलता है वो जटिलता वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तीन तरह का योजना है उसका अंदर, एक शिशु योजना होता है 50,000 तक का लोन उसे मिलता है, उसका कोई गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं, आपका केवल खाता खोलना होगा, आप बस खाता आप चलाते रहेंगे, एक साल का अंदर आप 50,000 तक का एलिजिबिलिटी अपने आप हो जाता है। उसके बाद एक तरुण है, तरुण में 5,00,000 तक का आपका लोन मिल जाएगा, उसको भी गारंटी की जरूरत नहीं। उसके बाद एक किशोर है, ये किशोर में 10,00,000 ऊपर तक आप ले सकते हैं। तो तीनों योजना, बट मान लीजिए शुरुआत आप एक साल के अंदर आपका गतिविधियाँ देखेंगे बैंक वाले, आप ईमानदार से पैसा ले रहे हैं उसको लौटा रहे हैं कि नहीं, उसके बाद धीरे धीरे आपका क्षमता के हिसाब से वो सीमा बढ़ाएगी। आपको लोन के किसी का जरूरत है तो बता दीजिए, मैं बैंक से टाइप करके आपको लोन मेला लगा देता हूँ। आपका अलग किसी ब्लॉक में जरूरत है, किसी तहसील में, कहीं जनपद लेवल पे विकलांग जन का लोन चाहिए तो एक दिन आकर के लोन का प्रक्रिया पूरा कर लीजिए, आप मेला लग करके फिर वितरण भी करा सकते हैं। बट एक चीज है, ईमानदारी से लौटाना पड़ेगा बस। ठीक, इसमें 10,000 रुपया सर इनको मिलता है अनुदान के रूप में और बेस्ट इनको करना पड़ता है बैंक लोन के लिए, तो ये तो दिव्यांग जनों के लिए ही एक्सक्लूसिव योजना चल रही है। इसको सर इसी एजेंडा में रखा है इन्होंने, 1,00,000 रुपये करने के लिए प्रस्ताव रखा है, इस पर भी चर्चा होनी है, क्योंकि 10,000 का अमाउंट बहुत छोटा अमाउंट है और आज की परिस्थितियों को बढ़ाते हुए ना। तो ये दूसरा यार आपका वित्त निगम सोसाइटी के तहत पिछले बैठक में ये डीडीआरसी का रिहैबिलिटेशन सेंटर जो मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, वो मनोविकास केंद्र। अच्छा, वो मनोविकास केंद्र। ये डीडीआरसी फिलहाल कहाँ चल रहा है? सर ये चरगांव में है, चरगांव ब्लॉक चल रहा है सर। तो उसका ये डिसाइड किया गया था कि ये रेड क्रॉस सोसाइटी से न चल के अब पीएमपी के माध्यम से डायरेक्ट
फिर साधन संसाधन है नियम। पिछले बार हम लोग जो नया लाभार्थी चेंज करने के लिए कैंप आज नहीं किए, इस बार वो दोनों है, दोनों शामिल कर सकते हैं। ये नया अप्ले करने वाले वो भी आके नया अप्ले करें, साथ साथ इनका छुट्टी कितने हैं वो भी सही कर लें, एंट्री करें। तुमने ड्राइंग पढ़ती है? कहाँ पढ़ती है बेटा? अच्छा, किस क्लास के हो, किस पे हो अभी समय? टेंथ में। बढ़िया, टेंथ पास करो तुम्हें तो कॉलेज में भर्ती करा देंगे। अच्छा बेटा, अच्छा इनको मिला हुआ है? स्कूल में मिला जी। सुंदरी कुमारी? सुंदरी आई नहीं रास्ते में। रीना? रीना ये बेटा, ये तुम पढ़ते हो जी? कहाँ स्कूल पे पढ़ते हो? किस क्लास में? ये बोल नहीं सकते। तुम भी पढ़ते हो? ये कहाँ पढ़ती है? ये भी सर किस क्लास में है? हमने कराया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। जूरी सी गाय जी क्लास पे है? ये भी बोल सुन आई सकते हैं। अच्छा, ये ले लो यार तुम्हारा कार्ड, बाकी लोगों को भी बनवा दो। हम ये रख लो तुम्हारा ब्रेल किट। ये ब्रेल किट पढ़ लो, टेंथ पास हो जाओ, है ना? जब पर्दा खराब हो जाता है ये अरुण, तुम्हारे डी ओ से बात हुई है, तुम जाके मिल लो, है ना? अभी तुम्हारा पापा का नंबर नोट करवाया हमने, है ना? वो जाके मिलो, कोशिश करेंगे आसपास कराने की। हमारे यहाँ ये कंप्यूटर सीख रहे हैं सारे बच्चे। ना ना बढ़िया, ये इनका तो आप तो ब्रेल यार। ये मैं ना सर, ये भी रिसेंट में संगीत में ये विद्वान है, इनको स्मार्टफोन सब हमने दिलाया सर। ये ले लेना।